बढ़ते टमाटर के भाव से टेंशन होने लगा है। 150-200 रुपए पर किलो और 250 रुपए किलो में भी बिक रहे हैं, और इसके दाम कब कम होंगे पता नहीं। पर चिंता ना करें, क्योंकि आज हम पेट पूजा के किचन में टमाटर के स्वाद जैसा एक अनोखा पेस्ट बनाएंगे। इसे आप तरह तरह के डिशेस बना सकते हैं टमाटर के बिना, और ये टेस्ट टेक्सचर सेम टोमेटो पेस्ट जैसा ही दिखेगा और लगेगा भी। आप पाव भाजी भी बना सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर उसे देखें और अंत तक देखें ज़रूर इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले एक बोल में हम लेते हैं 7 चिली तेजा, ये थोड़ा स्पाइसी होता है। साथ में 5 कश्मीरी मिर्च लेंगे, इसका कलर टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। और ये है 5 बेड़गी मिर्च, जो है कम तीखा लेकिन इसका सुगंध बहुत ही बढ़िया है। छोटा सा इमली का टुकड़ा लेंगे और 1 चम्मच धनिया डालेंगे, और साथ में 1 कप गर्म पानी। इसे अच्छे से पहले मिक्स करके लेते हैं, और फिर इसे हम सोक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अच्छे से ये 15 मिनट के बाद जो लाल मिर्च है वो फूल जाएगी। चलिए इसे एक मिक्सर जार में हम ऐड करते हैं, और उसमें डालते हैं 5 से 6 लहसुन की कलियां, और बारीक पेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा हम पेस्ट रेगुलर में बनाते हैं उसी तरह। चलिए अब एक कढ़ाई गरम करते हैं, और उसमें डालते हैं 5 बड़े चम्मच तेल। इस पेस्ट में तेल का इस्तेमाल थोड़ा आपको ज़्यादा करना है। फिर इसमें हम ऐड करते हैं 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सरसों के दाने, और ये आता है चुटकी भर हींग। साथ में इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड करते हैं, और फिर इसमें हम ऐड करते हैं 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अच्छे से इसे पहले भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर इसमें हम ऐड करते हैं हरी शिमला मिर्च। एक हमने यहाँ पे लिया है, आप लाल शिमला मिर्च या पीली शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके लेना है, और फिर इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून हल्दी। इसे भी अच्छे से फ्राई करते हैं थोड़े सेकंड्स के लिए, और फिर जो हमने पेस्ट बनाया है उसे हम ऐड करेंगे, और तुरंत इसे आपको चलाना है बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए इसका कलर देखिए, जो कश्मीरी लाल मिर्च हमने यूज़ किया है उससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। चलिए इसमें हमने नमक ऐड किया और साथ में चीनी भी डाली। चीनी से इसकी जो खटास होती है इमली के कारण वो बैलेंस करती है। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा मिक्सर जार में हमने पानी डाला था 1/4 कप, और इसे अच्छे से क्लीन करके इस पेस्ट में डालकर इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, तो ये देखिए तेल ऊपर से पूरा सेपरेट हो चुका है, और ये जो हमारा मॉक टोमेटो पेस्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। लो फ्लेम पर ही आपको इसे चलाना है, और अब गैस बंद कर देना है। थोड़ा सा ठंडा कर ले, और फिर इसे एक एयरटाइट कंटेनर में हम स्टोर करेंगे। ये देखिए थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और यही कंसिस्टेंसी में आपको इसे स्टोर करना है। चलिए एक एयरटाइट कंटेनर में इसे ऐड करें, और इस पेस्ट को आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वेज नॉन वेज ग्रेवीज आपको बनाना हो तो 1 चम्मच आप इसे ज़रूर ऐड करें, और देखिए टमाटर का स्वाद ज़रूर आएगा। दिल से बनाएगी, दिल से खाएगी। आज आपको ये वीडियो पेट पूजा के किचन में कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह पेट पूजा के वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।